इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया निटिंग कंपनी। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। उसमें आपको सबसे पहले उसका तना वो स्टेम बनाना सिखाऊंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे और उस पर 7 चैन बनाएंगे। 7। अब इसी कोई एक चैन स्किप करते हुए हम स्लिप स्टिच से इसको आगे बढ़ाएंगे। सेकंड राउंड में हर चैन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। हर चैन में ठीक है। अब इस लास्टली हम इसी पर 4 चैन लेंगे। 1, 2, 3 और 4। 4 चैन लेके इसी लास्ट वाली चैन में स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे और इसके ऊपर एक लूप तैयार हो गया। इसी लूप में हम अब 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले 2 चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से इसमें हम 5 ये बॉक्स बन वो 5 ये होल बना लेंगे। 5 होल बना लेंगे और इस धागे को इसको अपन नीचे इसी होल में स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे और धागा कट कर देंगे। स्टेम हमारा बन के तैयार हो गया है। ये 5 खाने बन गए खांचे। एक, दो, अब हम आगे ऊपर फ्लावर के पैटर्न तैयार करेंगे। उसके लिए नोट तैयार कर लिए मैंने और इसको इसमें डालकर फर्स्ट वाले बॉक्स में डालकर हम निकाल लेंगे और लंबा खींचते हुए पफ स्टिच से 4 बार इसमें क्रोशिया डालेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3 दूसरा पफ स्टिच, तीसरा पफ स्टिच। तो होल में 5 पफ स्टिच बना लिए। अब इस फर्स्ट वाले में से जो हमने क्या है उसमें से इसको लेकर खींच कर इसका राउंड बना लेंगे, पूरा पक्का कर लेंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर अब 2 चैन लेंगे, यहीं पर 2 चैन लेंगे। उसके बाद में अब जो आप होमवर्क करेंगे वो है कि प्रत्येक जो पफ स्टिच है उसके अंदर 2 चैन बनानी है
और एक चैन के बाद में तीन चैन लेके पिकॉट बना लिए। तो ये तो हमारा शुरुआत का है। इसके बाद में आप इसमें आ ले दो, ये जो स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर दो पफ स्टिच के बीच में जो स्पेस है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद में तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। इस तीन चैन को ले हम इन दो डबल क्रोशियों के बीच में एक सिंगल क्रोशिया से लेके बंद कर देंगे, तो ये पिकॉट बन जाएगी पिकॉट। फिर हम मैं जैसे कि मैंने बताया दो पफ स्टिच के बीच में जगह है उसमें हम दो सिंगल मतलब डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये तो शुरुआती का है, इसमें एक बनाए इसमें एक और बनाएंगे। अभी एक एक दो तीन, फिर इन दोनों चैन के बीच में हम क्रोशिया को डालते हुए कॉट बना लेंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। फिर इसमें दो बन गए। अब ये दो ये दूसरा दो पफ स्टिच है इनके बीच में जो स्पेस है इसमें सिंगल वो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, फिर इसको सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे। अब यहाँ चूंकि एक ही बना है एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ध्यान दीजिए प्रत्येक दो पफ स्टिच के बीच जो स्पेस है उसमें दो डबल क्रोशिया बनेगा। दो डबल क्रोशिया बनाते समय हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस पर तीन चैन लेंगे और फिर वापस उन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में सिंगल क्रोशिया से पिकॉट बना देंगे। आइए पूरा करके दिखाते हैं। बता दिए लास्ट में हम ये जो बचा है दोनों बीच में स्पेस है, एक तो ये तीन चैन का बना हुआ ही है, एक इसमें और बना लेंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाकर एक दो तीन और इन दोनों के बीच में क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशिया से इसको बंद कर देंगे। ये पिकॉट तैयार है। और इस वाली चैन की लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह धागे वगैरह हैं इसको क्रोशिया अंदर से डालकर इसको नीचे खींच देंगे। तो हमारा ये फ्लावर बनकर तैयार है। आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बना के गिफ्ट दीजिए इस तरह से बंच बनाकर। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय। Goodbye.